हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली ये जो वीडियो है, मैंने वीडियो पोस्ट किया था कुछ दिन पहले, जो 18 मई को मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, उसके ही जो मतलब एक छोटा सा मैं रिव्यू यू कैन से कि मैं दे रहा हूँ जो जो क्या चीज़ हुआ था क्या नहीं। सो 18 मई को मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, पीछे से ट्रक आके हिट किया था, सामने भी टच हुआ था थोड़ा सा, और पीछे में ज़्यादा बूट जो है और पीछे का रियर जो बम्पर है वो भी मतलब डैमेज हुआ था। उसका वीडियो है, आप देख लेना। सो ये वीडियो है मतलब कैसे क्या प्रोसेस है। मैं टीसी मोटर्स में मैंने जो है ये चीज़ करवाया था, मेरा डिजिट का इंश्योरेंस था, जीरो डेप फर्स्ट पार्टी जो है। बात यह है कि ऑलमोस्ट मेरा जो IDV वैल्यू है मतलब ठीक ठाक है। सो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर भगवान ना कर अगर आपको कोई भी ऐसे कुछ चीज़ हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरा जो है ऑनलाइन इंश्योरेंस था, अगर ऑनलाइन इंश्योरेंस आपको है तो आपको ऑनलाइन ही क्लेम रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर हाँ आप जो है जो मतलब जिस सर्विस सेंटर पे अगर आप गाड़ी दे रहे हो तो उधर वो लोग अगर करेगा तो ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन क्लेम रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद जो है सर्वेयर आपको कॉन्टैक्ट करके गाड़ी देखेगा। और एक चीज़, मैंने डिजिट पे जब ऑनलाइन क्लेम रजिस्टर किया था, उन लोगों ने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने बोला था जे एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर डैमेज गाड़ी का फोटो दे देने के लिए, मतलब ये है ऑनलाइन सर्वे के लिए। बट ये चीज़ अब मत देना, ये सब जो चीज़ है ये आप वर्कशॉप के लिए छोड़ दो। मुझको मालूम नहीं था, वो लोगों ने बोला था जो हाँ डैमेज गाड़ी का फोटो देने के लिए, मैंने दे दिया था। बट हाँ, वहाँ से ही ऑनलाइन मेरा जो सर्वे हो गया था फर्स्ट ऑफ ऑल, वो एक मतलब गलती हुई थी मेरे से। बट हाँ, TC मोटर्स ने वो सब करके ठीक करके जो जो है मेरा चेंज हुआ था, रियर बम्पर, रियर जो है बूट। एक्चुअली मैं एक बार दिखा देता हूँ बाहर जाके, बाहर थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है। ये जो है बूट चेंज हुआ था, ये चीज़ चेंज हुआ है, ये बम्पर चेंज हुआ है, और सामने भी ये जो है ये बम्पर, ये ब्लैक वाला पार्ट एंड ये ऑरेंज वाला जो पार्ट है ये चेंज हुआ है। और ये जो एक्स्ट्रा फिटिंग का जो चीज़ था वो पुराना से मैं खुल के नया में लगाया, उसके लिए 1000 रुपया लिया था। सो दिस इज़ द थिंग। एंड ये जो प्रोसेस है ठीक ठाक था, स्मूथ था, एंड टी मोटर्स ने भी ऑलमोस्ट नियरली 10-11 दिन में मेरे को गाड़ी डिलीवर कर दिया। हालांकि 10 दिन में गाड़ी रेडी हो गया था, उस दिन मैंने नहीं जा पाया सो इसके लिए। बट हाँ, ये जो प्रोसेस है ठीक ठाक है, और मेरे को जो है मेरे पॉकेट से देना पड़ा नियरली यू कैन से कि 1500 के आसपास, 1400 रुपया इंश्योरेंस में देना पड़ा एंड 1000 रुपया देना पड़ा जो मतलब मेरे को जो एक्स्ट्रा फिटिंग्स था वो चीज़ पुराना से खुल के नया में लगाने का जो कॉस्ट है उसके लिए। ये जो प्रोसेस है ठीक ठाक है, और डिजिट का जो इंश्योरेंस भी है ठीक ठाक है। बट हाँ, मतलब जब गाड़ी मैं लेके गया था, व्हाट्सअप पे एक आदमी था, वो बोला जो है आपका ऑनलाइन इंश्योरेंस है, मुझको मालूम नहीं कि ना क्या दे क्या क्या नहीं, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा घबरा गया था और 2-3 बार सर्वेयर को फ़ोन भी किया था, सर आप आइए ऐसे करके। तो ये ज़्यादा चीज़ है। बट हाँ, आपको उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास जीरो डेप इंश्योरेंस है और आपका जो वर्कशॉप एंड सर्वेयर अगर ठीक रहेगा तो कोई भी उतना दिक्कत नहीं आएगा। यही बात है। अगर इसके रिगार्डिंग भी आपका कोई भी मतलब क्वेश्चन है तो आप मुझको कर सकते हो वो कमेंट पे। दिस इज़ द थिंग जो सो या थैंक यू एक्सप्लोर राइडर साइनिंग ऑफ।